वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहासिक तपोस्थान बाबा श्री चंद जी महाराज कदोरी साहब, श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सपुत्र महातपस्वी बाबा श्री चंद जी महाराज विक्रम संवत 1700 में 150 वर्ष की आयु में चंबे की पहाड़ियों में अलोप होने से पहले बाट साहब पठानकोट व मामन साहब से इस पवित्र तपोभूमि गदौरी साहब में पहुँचे। यहाँ पर बाबा जी ने पवित्र शिला साहब के ऊपर अपने हाथ से चिमटा गाड़कर निर्मल जल प्रकट किया और धूना लगाया। इस स्थान पर 22 दिन तक अखंड समाधि में रहे तथा इस स्थान को वरदान दिया, जो भी इस स्थान पर आकर सेवा व अरदास करेगा वह बावली साहब के पवित्र जल और पवित्र धोने की विभूति का सेवन करेगा, उसके तन मन के सभी कष्ट दूर होंगे तथा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह वरदान देकर बाबा जी आगे चंबे की पहाड़ियों में अलोप हुए। पहले अपना सारा सामान इस शिला पर साहब से ऊपर छोड़ दिया, जिसके दर्शन आप यहाँ गुरुद्वारा ऐतिहासिक तपोस्थान बाबा श्री चंद जी महाराज कदौरी साहब पे आप कर सकते हैं। बाबा जी के हाथों द्वारा गाढ़ा हुआ चिमटा, पवित्र धूना, चरण पादुका, खड़ावा, चरणों के निशान, रुद्राक्ष की माला, खाना बनाने के मिट्टी का बर्तन व जटाओं के सुनहरे बाल, जो आज भी भोरा साहिब में सुरक्षित हैं, केवल उनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।